कि ऐसे लोगों को नहीं पकड़ना चाहिए जो 250 ग्राम पिया हो या 125 ग्राम पिया हो, और उनको जेल नहीं भेजना चाहिए। नमस्कार, मैं ज्योति शर्मा और आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के संस्थापक जीतन राम मांझी अपने बयानों को लेकर हमेशा खबरों में बने रहते हैं। उनके बयानों पर जमकर विवाद भी होता है। अब उन्होंने बिहार में शराबबंदी को लेकर एक अजीबोगरीब बयान दिया है। दरअसल बीते दिनों नीतीश कुमार ने शराबबंदी के नियमों में बड़ा बदलाव किया था। उन्होंने पुलिस और मद्य निषेध विभाग को शराब पीने वालों की जगह शराब सप्लाई करने वालों पर कार्रवाई करने को प्राथमिकता देने का आदेश दिया। हालांकि सरकार की तरफ से ये साफ किया गया कि शराब पीने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा, जिसके बाद जीतन राम मांझी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बड़ी मांग की है। उन्होंने कहा कि एक क्वार्टर शराब पीने वालों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, कि ऐसे लोगों को नहीं पकड़ना चाहिए जो 250 ग्राम पिया हो या 125 ग्राम पिया हो, और उनको जेल नहीं भेजना चाहिए। जीतन राम मांझी ने कहा कि वो शराबबंदी के पक्ष में हैं, लेकिन शराबबंदी कानून को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को समीक्षा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शराबबंदी के कारण गरीब लोग जेल में बंद हैं और जो बड़े तस्कर हैं वो आराम से घूम रहे हैं। शराबबंदी कोई खराब नहीं है, शराबबंदी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने का जहाँ तक सवाल है, उसमें गड़बड़ियाँ हो रही है। बड़े लोग हैं, तस्कर लोग हैं, वो बच जा रहे हैं, वो मालोमाल हो रहे हैं, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं वे लोग मारे जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, वो जेल में जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, इस पर समीक्षा होनी चाहिए। तस्करों पर कार्रवाई किया जाना जरूरी है। जीतन राम मांझी ने कहा कि पुलिस जिस ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जांच करती है वो भी गलत बताती है। 70% ऐसे लोग हैं जो बहुत कम शराब या एक क्वार्टर पीते हैं, वो भी जेल में बंद हैं। इन लोगों को नहीं पकड़ना चाहिए, लेकिन पकड़ने वाले बदमाशी करते हैं कि जो आधा लीटर पीते हैं उनको कहते हैं कि 2 लीटर पिए। वो जो ब्रेथ एनालाइजर लगाता है उसमें क्या तो परसेंटेज है वो दिखला देता है ज़्यादा, जिसके चलते उन लोगों को दिक्कत हो जाती है। ये सब चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि शराब नीति बढ़िया से अपनाई जाए। तो 70% वैसे गरीब लोग जेल में बंद हैं जो आधा लीटर या क्वार्टर लीटर दारू पी करके पकड़े गए हैं। तो ये अन्याय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी की समीक्षा बैठक की थी। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शराबियों को पकड़ने के बजाय शराब तस्करों और बेचने वालों पर नकेल कसे। सरकार ने ये भी साफ किया कि शराबबंदी कानून में फिलहाल कोई बदलाव नहीं होगा।